कांग्रेस के बारे में बहुत इमोशनल हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मतलब ऐसे छोड़ना पड़ा कि वहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए। और मैं आपको बताऊँ कि 35 साल इस पार्टी में मैंने लगाए हैं, तकरीबन 35 साल लगा लिए इस पार्टी में। और आज मेरे को लगता है कि वो जो मुद्दों से भटक चुकी है कांग्रेस पार्टी, और मैं खिलाफ नहीं किसी से बोलना चाहता, मैं इतना टाइम इस पार्टी में उसमें गुजारा है, तो मैंने पंजाब के भले के लिए सोचा और मैंने ये भारतीय जनता पार्टी जो है। अगर पंजाब पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, सीएम का ज़्यादा इतना रूट्स उनके अभी नहीं हुए हैं, और उनका ध्यान जो है ज़्यादा दिल्ली पे रहता है, दिल्ली की सीट पे रहता है, उनसे कभी जेल चले जाते हैं, कभी दिल्ली के दौरे पे रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं कह रहा हूँ, बीजेपी मैंने सारा स्टडी किया है, मैंने पीएचडी होल्डर हूँ मैं, और मैं मास्टर इन लॉ किया है, मैं सारा पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। आज पंजाब में अगर कोई सही अल्टरनेटिव है जो पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए जो पार्ट प्ले कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, और इनकी जो तिकड़ी है, जो इन तीनों की, उसमें पंजाब का भला होने जा रहा है, मैं आपको ये पक्की बात कह रहा हूँ। और पंजाब के लोगों को मैं यही चाहता हूं कि वो एक बार मोदी जी की लीडरशिप पे आस्था रखें, तो आने वाला समय बड़ा सुनहरी युग होगा उनका।